राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदू धर्म से संबंधित सभी व्रत त्यौहार और ग्रहों की चाल की वीडियो इस चैनल पर आपको समय से पूर्व ही उपलब्ध करा दिए जाते हैं, जिससे आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। कोई भी बड़ा परिवर्तन आपके लिए हानिकारक है या लाभकारक है आपको पहले से ही पता चलता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि की। इसके पहले हमने बात की थी कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि की। तुला राशि के बारे में अगर हम बात करें तो जो सूर्य का परिवर्तन है, मिथुन संक्रांति है, राशि से चतुर्थ सुख भाव में गोचर करते हुए सूर्य का प्रभाव कई तरह से उतार चढ़ाव और अप्रत्याशिता के परिणाम से सामना करवाएगा। सफलताओं का सिलसिला तो चलता रहेगा, किंतु पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति के कारण उलझन में आप रहेंगे। आपके परिवार में कलह कलेश जो है वो बढ़ने के चांस दिखाई दे रहे हैं, तो संतुलन बनाकर आपको रखना होगा, अन्यथा इसका गलत प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पड़ेगा और आप एक उलझन की स्थिति में रहेंगे। मित्रों तथा संबंधियों से अप्रिय समाचार प्राप्त हो सकते हैं। कष्टकारक यात्रा भी करनी पड़ सकती है, एक ऐसी यात्रा करनी पड़ सकती है जो आपके जीवन में शायद आप कभी ना भूल पाए। माता पिता के स्वास्थ्य की चिंताशील रहें, यात्रा सावधानीपूर्वक करें, सामान चोरी होने से बचाएं। तो मिथुन संक्रांति आपके बैंड बजाने जो है वो आ रही है, मैं तो इन शॉर्ट यही कहूँगा। और लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, अगर आप थोड़ी सी सतर्कता बना के रखेंगे तो आप इस समय को काट लेंगे, क्योंकि हमेशा परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, कभी कभी प्रतिकूलताएं भी होती हैं। तो हो सकता है आपको कोई कष्टकारक यात्रा करनी पड़े, तो उसमें अपने सामान का अपना अवश्य ध्यान रखें, माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। तो आपका जो ये समय है ये अच्छे से निकालें। और इसके बाद में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। राशि से तृतीय पराक्रम भाव में गोचर करते हुए सूर्य का प्रभाव बेहतरीन सफलता दिलाएगा। अपने साहस और पराक्रम के बल पर कठिन परिस्थितियों पर भी आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे आप। नए लोगों के से मेल जोल बढ़ेगा। आपका परिवार में मांगलिक कार्यों के शुभ अवसर आएंगे। नए मेहमान के आगमन और मोहल्ले में खुशनुमा माहौल रहेगा। धर्म और अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। घूमने फिरने में धार्मिक कार्यों पर अधिक खर्च रहेगा आपका। परिवार के छोटे सदस्यों में मतभेद बढ़ने ना दें आप, क्योंकि आपके घर में जो छोटे हैं आपसे उम्र में, हो सकता है उनमें मतभेद हो जाए, तो उन मतभेद को मनभेद में ना बदलने दें और उन्हें वहीं समाप्त करा दें। धनुराशि की अगर हम बात करें, राशि से द्वितीय धन भाव में गोचर करते हुए सूर्यदेव का प्रभाव स्वास्थ्य विशेष करके हृदय विकार और दाहिनी आँख से संबंधित समस्याओं का सामना करवा सकता है। परिवार में अलगाववाद की स्थितियाँ उत्पन्न ना होने दें। पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद हल होंगे। इस अवधि के मध्य किसी को भी अधिक धन उधार के रूप में ना दें, अन्यथा वह धन समय पर नहीं मिलेगा। घूमने फिरने पर अधिक खर्च होगा आपका। इस अपनी रणनीतियाँ तथा योजनाओं को गोपनीय रखते हुए कार्य करेंगे तो अधिक सफलता मिलेगी। हालांकि ये जो समय है ये आपके लिए जो है थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, आप मध्यम रहेगा आपके लिए, ना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा ना बहुत ही ज़्यादा खराब रहेगा। अगर आप एक संतुलन बनाकर चलेंगे तो आपको इसके शुभ फल भी मिलेंगे। अगर आप संतुलन नहीं बनाते तो शुभ फल मिलेंगे आपको इस समय के, और साथ ही में किसी को भी धन आपको बहुत अत्यधिक नहीं देना, नहीं तो समय पर वो धन आपको वापस नहीं मिलेगा। और अगर किसी कारणवश आपको किसी को बहुत सारा धन देना पड़ रहा है, धनु राशि वाले जातकों के लिए बात कर रहा हूँ, तो उस धन के वापस मिलने की आशा को आप छोड़ दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर